दोस्तों एक ऐसी मूवी जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक प्यारी सी लव स्टोरी चलने लगती है और इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखने के बाद गूज़बम्प्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तेलुगु इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीतारामम की। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीतारामम मूवी की बिहाइंड द सीन, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी सीतारामम मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो कर दे लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की सबसे फेमस सीन की, जब राम नूरजहां से मिलने उसके पैलेस चला जाता है और जहां पे नूरजहां डांस कर रही होती है। तो इस सीन में हमें जो सीता महालक्ष्मी के पैलेस का बाहर का सीन दिखाया जाता है तो वह हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस का सीन है, जो कि हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा फेमस पैलेस है। लेकिन फिल्म में हमें जो पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो उसे रसिया के मोइका पैलेस में शूट किया गया था। फलकनुमा और मोइका इन दोनों पैलेस के सीन को मिक्स करके नूरजहां का एक बड़ा ही खूबसूरत महल इस मूवी में हमें दिखाया जाता है। वैसे आप इस सीन की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा इसी सीन में हमें जो सीता महालक्ष्मी डांस करते दिखती है तो सीता महालक्ष्मी ने इस डांस के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी की है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मुन्नालाल ठाकुर का डांस की प्रैक्टिस करते। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर हनु रघुपति, और वह इस मूवी में जो राम का किरदार निभाया है उनका नाम है दुलकर सलमान, और वह इस फिल्म में सीता महालक्ष्मी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम है मुन्नालाल ठाकुर। इसके अलावा इस फिल्म में हमें रश्मिका मंदाना का भी एक बेहतरीन किरदार इस फिल्म में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इस मूवी की यह सीन पे, जब सीता महालक्ष्मी को एक इंसान पीछा करता है आग को लेकर। तो इस सीन की शूटिंग हुई थी कश्मीर में, जो कि फिल्म में भी हमें बताया गया। वैसे आप इस सीन की भी शूटिंग देख सकते हो। वैसे दोस्तों इस सीन में आपको क्या लगा कि यह पूरी की पूरी सीन कश्मीर में शूट हुई है? तो ऐसा नहीं है। तो इस सीन की कुछ शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक डमी सेट बनाकर ब्लू बैकग्राउंड पे शूट किया गया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो ब्लू बैकग्राउंड पे कुछ झोपड़ी को आग लगाते हुए। वैसे ऐसा इसलिए किया गया ताकि आग वाला सीन में अच्छे से वीएफएक्स का यूज किया जा सके। यह बिहाइंड द सीन तब की जब पाकिस्तानी ऑफिसर को एक लेटर आती है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे इस मूवी के डायरेक्टर को देख सकते हो दुलकर सलमान और रश्मिका मंदाना को सीन समझाते हुए कि कैसे और क्या करना है। वैसे दोस्तों यह मूवी की स्टोरी 1964 से लेकर 1985 के बीच में की, और उस टाइम के कई सारे हिस्टोरिकल लोकेशन को मूवी के आर्ट डायरेक्टर ने रिक्रिएट किया है, क्योंकि मूवी में हैदराबाद को 1960 जैसे दिखाना था, इसलिए हैदराबाद की चार मीनार का सीन और यह बालाजी होटल जैसे लोकेशन को रिक्रिएट किया गया। राम पाकिस्तान जाने से पहले जिस घर में सीता और वो रह रहे होते हैं उस सीन की शूटिंग के दौरान जो खूबसूरत घर हमें देखने को मिलता है तो वो श्रीनगर में है, जिसे ख्वाजा मंजिल के नाम से जाना जाता है, जिसे लगभग 1933 के आसपास बनाया गया था। वैसे आप इस घर के कुछ रियल पिक्चर्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए अभी बता दें कि यह मूवी का बजट मात्र 30 करोड़ रुपया थी, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 91 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई करके यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी साबित हुई। तो दोस्तों यह थी सीतारामम मूवी की बिहाइंड द सीन और शूटिंग सीन। वैसे दोस्तों उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो कर दे लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।